हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पीरियड अगर लेट हो जाए, यानी जिस डेट में पीरियड आने वाला है उस डेट में पीरियड नहीं आया और उसी दौरान आपका शारीरिक संबंध बन गया जिसमें आपने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया है तो क्या प्रेगनेंसी होगी, या फिर जिस दिन पीरियड आने वाला हो उसी दिन कॉन्टैक्ट हो जाए और फिर पीरियड 2 से 3 दिन आए ही ना, उसके बाद पीरियड आए तो क्या प्रेगनेंसी होगी, या फिर एक सिचुएशन और भी हो सकती है कि जब पीरियड आने वाली जो डेट होती है उससे कुछ दिन पहले कॉन्टैक्ट हो जाए तो क्या प्रेगनेंसी होगी। इन तीनों ही सिचुएशन में, या फिर हम इसको कुल मिलाकर ये कहें कि जब पीरियड आने वाला होता है, जो डेट आपकी आने वाली है आगे की, उसके आसपास अगर कॉन्टैक्ट होता है तो वो आपके सेफ डे होते हैं, उनमें अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं यूज़ किया है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। इसलिए किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना रखें, और इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हमने ऑलरेडी इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर एक बार चेक करें जो सेफ और अनसेफ के वीडियो है वो जरूर देखें। वेल, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जैसी अभी मैंने आपको बताई कि पीरियड आने से पहले की स्थिति में अगर आपका कॉन्टैक्ट हुआ है तो वो सेफ डेज है, उसमें प्रेगनेंसी नहीं होती। वेल, इसके साथ साथ लॉट ऑफ थैंक्स हमारे वीडियोस को पसंद करने के लिए, शेयर करने के लिए और उन पर कमेंट करने के लिए। वेल, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर इसको लाइक करके हमें फीडबैक दें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।